एक है गोपाल, उसकी वाइफ, ओके, और एक आदमी है जिसका नाम है मुर्गन, ओके। तो देखो लेसन, गोपाल वाज अ फार्मर, गोपाल वाज अ फार्मर एंड ही हैड अ वाइफ एंड टू चिल्ड्रन। अब देखो गोपाल नाम का एक व्यक्ति है और जिसको टू चिल्ड्रन है और एक वाइफ है, राइट। देन ही लिव्ड इन अ टाइनी विलेज नियर मदुराई। अब ये जो गोपाल है ये एक छोटे से गांव में, एक लिटिल से विलेज में मदुराई नाम के गांव के पास रहता था। ही लिव्ड इन अ टाइनी विलेज नियर मदुराई, ओके। तो ये जो मदुराई है ये कहां है? साउथ इंडिया में, ओके। तो गोपाल जो है वो एक छोटे से विलेज में रहता था मदुराई के पास। गोपाल हैड अ वेल ऑन हिज लैंड बट देयर वाज नो वाटर इन इट। अब देखो गोपाल के पास उसकी खुद की जमीन है और उसमें एक वेल है जिसको हम बोलते हैं कुआं, जिसमें पानी होता है, राइट। तो उसके खेत में कुआं तो है लेकिन उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। देयर वाज नो वाटर इन इट, ओके। सो दिस इज अ वेल, ओके। आप सभी को पता है वेल यहां से पानी निकाला जाता है, राइट, जो खेती को प्रोवाइड होता है। तो गोपाल के पास खेती है, अपनी जमीन है, खेती में कुआं भी है लेकिन पानी ना होने की वजह से उसकी जो हालत है वो कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है। देन एवरी डे गोपाल लुक एट द स्काई। गोपाल एवरी डे हर रोज वो स्काई की तरफ देखता था। क्यों? क्योंकि वो बारिश की राह देख रहा था। सो गोपाल एवरी डे लुक एट द स्काई। There were no clouds. The hot sun looked down on Gopal and laughed. अब पानी ना होने की वजह से गोपाल जो है वो हर रोज आकाश में देखता था। उसको लगता था कि कभी ना कभी तो आकाश में घने बादल छा जाएंगे और बारिश होगी और मैं अपने खेती में अपना काम शुरू कर दूंगा। पर ऐसा नहीं हुआ। हर रोज वो स्काई की तरफ देखता था, बारिश की राह देखता था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, बल्कि बहुत तेज धूप होती थी और मानो ऐसा लगता था कि सूरज गोपाल के ऊपर हंस रहा हो। गोपाल वेंट टू मुर्गन। गोपाल वेंट टू मुर्गन, प्लीज लेंड मी 50 रुपीज, ही सेड। अब देखो ये मुर्गन नाम का एक आदमी है जिसके पास गोपाल गया। देन प्लीज लेंड मी 50 रुपीज। लेंड मतलब कि गोपाल को मुर्गन से 50 रुपीज चाहिए। प्लीज गिव मी अ 50 रुपीज। गोपाल मुर्गन से 50 रुपए मांगने के लिए गया था। देन मुर्गन रिप्लाइड। मुर्गन ने बोला आई कांट, मैं नहीं दे सकता बिकॉज देयर्स नो रेन। There's no rain. No rain means no ragi in the field. When the rains come, you can have the money. अब मुर्गन ने क्या बोला कि मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और बारिश ना होने की वजह से खेत में भी फसलें नहीं आ रही है। तो फसल नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो पैसे कहाँ से होंगे? तो इस वजह से मुर्गन ने भी गोपाल को ना बोल दिया कि मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता लेकिन जब भी बारिश होगी तुम मुझसे पैसे लेने के लिए आ जाना। गोपाल वेंट होम एंड लुक्ड इन द लिटिल बॉक्स अंडर द बेड। अब गोपाल जो है वो मुर्गन के पास से सैड होकर घर पे आया एंड लुक्ड इन द लिटिल बॉक्स अंडर द बेड। और वो जैसे ही घर आया
उसने बेड के नीचे रखे हुए एक बॉक्स में ढूंढा। उसने देखा, we have 60 rupees, he said to his wife. उसने अपने बीवी से, अपने पत्नी से बोला कि इस बॉक्स में मैंने कितने रुपीस रखे हैं? 60 रुपीस रखे हैं। We can eat for a few more days. और ये जो 60 रुपीस है, ये हम लोगों को कुछ दिन काम आ जाएंगे, कुछ दिन हम इन पैसों से खाना लेकर खा सकते हैं। Then what shall we do? लेकिन उसके बाद मैं क्या करूँगा? Every day Gopal looked at the sky. वो हर रोज sky की तरफ राह देखते रहता, वो sky की तरफ देखता रहता कि न जाने कब बादल छा जाएंगे और बारिश होगी। But the sun looked down at him. पर कभी ऐसा हो ही नहीं रहा था, बल्कि सूरज इतनी ज्यादा रोशनी कर रहा था, इतनी धूप बढ़ा रहा था, मानो वो गोपाल पर हंस रहा हो। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतनी स्टोरी काफी है। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मैं जो कुछ भी यहाँ बता रही हूँ, आई होप आपको समझ रही हो ये स्टोरी। ओके, तो इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए हम देखेंगे अगला वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। स्टडी करो और मजे से रहो।